तो दोस्तों आपके भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया है, पर प्रॉब्लम आईडी वेरिफिकेशन में आ रही है। जब भी हम आईडी वेरिफिकेशन करते हैं, पैन कार्ड अपलोड करते हैं, पैन कार्ड को अपलोड करते ही हमको वापस से पीछे वाले पेज पे फेंक देता है। आपको भी यही प्रॉब्लम आती होगी दोस्तों, पर मैं आज इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और आईडी वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है ये भी बताऊंगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, हम आईडी वेरिफिकेशन मोबाइल से कर सकते हैं कि नहीं, यह मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। आपको तो ये पता ही होगा दोस्तों, जब हम मोबाइल से या हमारे क्रोम ब्राउज़र से हम जब भी पैन कार्ड को अपलोड करते हैं तो हमको वापस से पीछे वाले पेज पे भेज देता है। तो आखिर हम आईडी वेरिफिकेशन करें तो करें कैसे? दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जिसके आईडी वेरिफिकेशन करके बताऊँगा वो मेरा एक सब्सक्राइबर है दोस्तों, जिसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी आईडी वेरिफिकेशन करने में। उसने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि भाई मेरा आईडी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प। आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीनशॉट में भी कि इन्होंने मुझे मैसेज किया था और मैंने इनकी आईडी वेरिफिकेशन करी है। आज इसी का मैं बताऊंगा आपको कि मैंने आईडी वेरिफिकेशन कैसे करी। दोस्तों गूगल एडसेंस में आईडी वेरिफिकेशन करने के लिए वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा उससे भी आप कर सकते हो, पर दोस्तों उसमें आपकी सिग्नेचर अच्छे से दिखनी चाहिए और आपका जो नाम है और एड्रेस है वो अच्छे से दिखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, लैपटॉप से इसका आईडी वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। मोबाइल से होगा कि नहीं मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा दोस्तों। आपको सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर में जाके आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने ऐसा कुछ पेज आ जाएगा और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यूअर यूट्यूब पेमेंट आर होल्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो। इधर एक्शन बटन भी दिख रहा है दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एक्शन बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने और एक नया पेज खुल जाएगा जो कि गूगल एडसेंस पेमेंट इन्फॉर्म का होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो इनकम है दोस्तों $26.50 है दोस्तों। आपके यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये 4 डॉक्यूमेंट है, इसी से आप अपने जो वेरिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आधार कार्ड से वेरिफिकेशन नहीं होगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने पैन कार्ड अपलोड किया था पर पैन कार्ड में इनकी सिग्नेचर अच्छे से नहीं थी इसलिए पहले फेल हो गया था दोस्तों। तो आपको अपने पैन कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसके ऊपर आपको आपकी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। और आप मोबाइल से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। ये फ़ोटो मुझे इसने मोबाइल में खींच के ही सेंड कराया दोस्तों। यहाँ पर आपको नीचे देख सकते हो रिट्राई वेरिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो लीगल नेम है दोस्तों, जो भी आपका पैन कार्ड में आपके डॉक्यूमेंट में जो भी नाम है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर वो नाम लिखने के बाद अगर आप गूगल वेरिफिकेशन पहली बार कर रहे हो तो आपके पास जो यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है दोस्तों ये नहीं आएगा, क्योंकि इस दोस्त ने पहले जो पैन कार्ड अपलोड किया था उसमें अच्छे से दिख नहीं रहा था इसलिए ये बता रहा है। यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट का टाइप चूज़ कर लेना, जैसे मैं वोटर कार्ड से इसका वेरिफिकेशन करने वाला हूँ तो वोटर कार्ड मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे आपको अपलोड आपका फ्रंट पेज करना है दोस्तों, फ्रंट वाला पेज जिसमें आपकी फ़ोटो लगी रहती है वो वाला, उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड करना है। यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट हमारे जो आईडी है वो अपलोड हो गया। सेकंड वाला करना है, बैक साइड वाला अपलोड करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको बैक साइड की आईडी आपकी अपलोड करना है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ वेट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा जो सेकंड फ़ोटो वो आ गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ नीचे एड्रेस है दोस्तों, और यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एड्रेस डालना है, यहाँ पे वो एड्रेस डालना है जहाँ पर आप वेरिफिकेशन पिन मंगवाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे आपके एड्रेस फिल कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आपको एड्रेस अच्छे से डालना है, तभी आपका जो गूगल वेरिफिकेशन पिन है वो आपके एड्रेस पे आएगा। यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और कुछ देर वेट करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, किसी किसी का चालू में वेरीफाई हो जाता है और किसी किसी का 5 या 6 दिन का टाइम देता है, पेंडिंग हो जाता है दोस्तों, और वो हो जाता है दोस्तों 1 या 2 दिन में वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे वेरिफिकेशन होता है आपकी ईमेल आईडी पे आपको एक मैसेज आ जाएगा दोस्तों कि आपकी वेरिफिकेशन हो गया है। यहाँ पर देख सकते हो ऐसा पॉपअप आ जाएगा थैंक्स फॉर वेरिफिकेशन का, इसको आपको गॉट इट कर देना दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी लिखा हुआ है दोस्तों कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो प्रोग्रेस में है
और कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी ईमेल आईडी पे आपको मैसेज मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस दोस्तों। जैसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुल या फिर कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आईडी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। और हाँ दोस्तों, मोबाइल में होगा कि नहीं ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यह आईडी वेरिफिकेशन मोबाइल में नहीं होता है। आप मोबाइल में डेस्कटॉप मोड भी कर लोगे फिर भी नहीं होता है, क्योंकि इसको अपलोड करने के लिए आपको लैपटॉप या फिर पीसी की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। इसी में आप आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर या पीसी नहीं है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं आपकी आईडी वेरिफिकेशन कर दूँगा दोस्तों, आप निश्चित हो जाइए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट में या इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप यूएस टैक्स फार्म को कैसे भरेंगे आपको अगर नहीं आता है, तो आप स्क्रीन पे आ रहे इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने यूएस टैक्स फार्म को कैसे भरते हैं वो पूरी डिटेल में बताया है। आप इस वीडियो को देख के आसानी से यूएस टैक्स फार्म भर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।